बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के कुर्सीवाद के चलते और लालू जी के परिवारवाद के चलते बिहार भी टूट के कगार पर खड़ी है। नीतीश कुमार इतने अविश्वासी हो गए हैं कि किसी भी समय उनकी पार्टी टूट जाएगी। नमस्कार, मैं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शरद पवार की एनसीपी को छोड़कर अजीत पवार शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने दोपहर में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजीत पवार राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम बनाए गए। इसके बाद अब बिहार की जो राजनीति है उसमें काफी गर्माहट देखने को मिल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से अब विधायक और MLC और फिर इसके बाद राज्य के सांसद से 1-to-1 मुलाकात किए हैं, इसको लेकर के बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जो हैं महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र वाला खेला कब यहां पे बिहार में हो जाए कोई नहीं जान सकता, क्योंकि RJD के और जदयू के बहुत ऐसे विधायक हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। परिवारवाद के चलते जिस तरह से शरद पवार की NCP में टूट हो गई, उसी तरह लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाली नीति के चलते गठबंधन में टूट हो सकता है। वही नीतीश कुमार की जो कुर्सी वाद वाली राजनीति है इसके चलते तो बीजेपी में महागठबंधन का टूटना जरूरी ही है। महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में अब हो सकता है किसी भी समय, ये कहा है बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ बोल रहे हैं। आज महाराष्ट्र में शरद पवार के परिवारवाद के चलते पूरी NCP टूट गई। बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के कुर्सीवाद के चलते और लालू जी के परिवारवाद के चलते बिहार भी टूट के कगार पर खड़ी है। किसी भी समय नीतीश कुमार इतने अविश्वासी हो गए हैं कि किसी भी समय उनकी पार्टी टूट जाएगी, और उतना ही नहीं राजद के भी बहुत लोग भागने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप से बाहर राजद निकल ही नहीं सकती है। उसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी बिखर चुकी है, उनके सारे विधायक और MP कहीं ना कहीं दूसरे दलों के संपर्क में हैं, ज़्यादातर भाजपा के संपर्क में है, और किसी भी समय कुछ भी घटनाक्रम हो सकता है बिहार में। और नीतीश कुमार आज अप्रासंगिक हो चुके हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता है, चूंकि वो पलटी मार हो चुके हैं, इसलिए बिहार में कोई भी घटनाक्रम कभी भी हो सकती है। तो आपने सुना बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह को क्या कुछ बोल रहे थे। साफ शब्दों में संकेत दे दिए कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में कब हो जाए ये कोई नहीं जान सकता है। और RJD की रही बात खास तौर से, तो तेजस्वी और तेज प्रताप के सिवा उनको कोई और नेता दिखाई ही नहीं देता। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इनसाइडर लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।